ये पहले आएगी 700 रुपये। कितने की? 700। 700 रुपये की। अच्छा, थोड़ी आई में जाओगे तो ये 1000 रुपीज की आएगी। अच्छा, ये आएगा 7 लाख कंपनी का। थोड़ा अच्छी क्वालिटी में जाओगे तो ये इस टाइप में इसका पैलेट रहेगा। अच्छा, वाओ, 20 मीटर तक इसकी रेंज रहेगी। 20 मीटर और 20 क्या मीटर? यूज करते हैं इसका क्या? खेती बाड़ी यूजेबल है, जैसे बंदर बंदर आते हैं उनको भगाने में काम में आ जाएगा। आपके नॉर्मली शिकार कर सकते हो आप। अच्छा, कबूतर तीतर ऐसे मारना नहीं है आपको। अच्छा, मर भी सकता है सर? नॉर्मल मर सकता है। अच्छा, ऐसा करना नहीं है आपको। ये डेंजर की एयर पिस्टल है। क्या नाम है इसका? डेंजर। अच्छा, डेंजर का रहेगा। शादी ब्याह में आपने देखा होगा साउंड वगैरह होता है, ऐसा साउंड भी होता है इसमें। सेमी साउंड कैप रहती है। अच्छा, इसको आगे लगाते हैं। नॉर्मली इसको पुश करना है। ये देखिए, ओ ये कितने का? ये पड़ेगा आपको मात्र 1300 रुपए का। अच्छा अच्छा, तो ये इसमें जाओगे तो ये पावर की एयर पिस्टल आएगी, आर्मर ये लुक आएगा इसमें। इसकी 40 मीटर रेंज आएगी। अच्छा अच्छा, आप इसको लेते हो तो इसमें आपको 2 साल की गारंटी मिलती है, जब खराब हो जाए तो इसे रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अभी है जैसे ये हमारे पास थोड़ा साइलेंसर लुक में आएगा। क्या बोलते हैं इसको? इसको ऐसे, इसका नाम है बुलेट। हाँ हाँ, इस गन का नाम बुलेट है। इसकी भी टेस्टिंग करके बता रहे आपको। इसका ये कितने का? ये पड़ेगा आपको मात्र 1400 रुपए का। लेकिन ये एक बात समझ में नहीं आई मेरे को, ये फिर ये क्या डाल, अंदर डालते उनको क्या बोलते हैं? ये बारूद रहता है। बारूद पैकेट आता है इसका। अच्छा, इसके साथ ही आएगा सारा? ये इंक्लूड इसके साथ में आएगा। ये 24 पीस आएंगे 100 रुपए में, और ये 56 तो उसके साथ में आएंगे दोनों। ये चीज तो फिर ऑनलाइन खत्म होगी, फिर कहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे? आपको ऑनलाइन अमेज़न फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे, और कई जगह स्पोर्ट्स की शॉप पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी मिल सकता है? ऑनलाइन अमेज़न फ्लिपकार्ट है, किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। क्या बोलते हैं इसको? ये इसको डार्ट बोलते हैं, ऐसे बारूद भी बोलते हैं कोई। डार्ट BOT बारूद बोलते हैं ऐसे, ज्यादा कर दो। अच्छा, डार्ट बोल दो, साउंड कैप भी बोल दो आप इसको। और बताइए, और थोड़ी हाईएस्ट में जाओगे तो ईमेन की ब्रांडिंग आएगी। ईमेन की गन है कि 60 मीटर तक इसकी रेंज रहेगी। तो इसकी साइज रहेगी 1.77 छर्री की साइज रहती है। इससे फिर ये जो पक्षी वगैरह मर भी सकते हैं, कबूतर चिड़िया? ये 80 मीटर तक करेगा रेंज। अच्छा, ये हॉक कंपनी की आएगी, हॉक की ब्रांडिंग रहेगी ऊपर। ये हॉक का चेन है, ईगल का मतलब चेन रहेगा ऊपर इसके ऊपर। ये भी अच्छी क्वालिटी में आएगी। नॉर्मली इतना खाली साउंड है, एनी टाइम साउंड करेगी, कभी खराब नहीं होगी। ये डेंजर का बताया था, ये वाला, इसी में एक ये कलर आएगा, ऑप्शन रहेगा, वाइट लुक रहेगा इसमें, और छोटी नली रहेगी इस टाइप में। तो क्या है, आप जैसे कवर में भी डालते हो इस टाइप में, तो थोड़ा ओरिजिनल लुक देगा इसको। ये कितने का? ये 100 रुपीज का आपको कवर पड़ेगा, ये अलग से पड़ेगा आपको इसमें। और इसका प्राइस कितना था, कितना बताया? ये खाली से महंगा रहेगा थोड़ा, ये 1600 रुपए का पड़ेगा आपको। 1600 रुपए का। इसी में फिर एक ये बॉन्ड कंपनी का आएगा, ये भी अच्छी क्वालिटी का है। इसमें आपको 3 साल की गारंटी मिलेगी, रिप्लेसमेंट रहेगा इसका, जैसे भी खराब होगा तो रिप्लेसमेंट करके उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, ठीक है, टेस्टिंग करके बता दें आपको। नाइस, बहुत ही प्यारा शॉट है इसका, और ये करेगा आपको 50 फीट तक ये करेगा।
इसलिए मैं ये ब्रूड का भी एक ये भी अच्छी क्वालिटी पे आएगा, ये 60 मीटर की रेंज का है, ये पूरा साइलेंसर लुक रहता है इसमें पूरा। इसका भी टेस्ट करके बता दो रहेगा, जैसे साइज बढ़ जाएगी इसमें सर की, ये 2 नंबर की साइज रहेगी, ये 1.77। अच्छा क्या बोलते हैं इनको, ये साइज के ऊपर रहता है, ये 1.77 की साइज है, ये 0.22 की साइज है। अब इससे किसी बंदे को भी मारते हो तो इंजरी कर सकता है ये। अच्छा ये वाला तो फिर एक चीज समझ नहीं है, जो इनके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, इसमें लाइसेंस चाहिए 2 नंबर में। अच्छा, अब ये ऑल इंडिया कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ये अवेलेबल हमारे पास अभी है। जैसे छोटी पिस्टल से आप इसको बंदे को भी मारते हो तो घायल कर सकती है, इतना डैमेज छोटी पिस्टल में। जैसे बड़ी में आती है, बड़ी में जैसे राइफलों में लेने जाओगे तो इसमें आदमी को आराम से मार सकती है 2 नंबर। आपको बैंड हो गई है, मतलब आप बिल्कुल ही मिलती नहीं ये चीज, आप लेनी भी चाहो तो उसको इस पे लाइसेंस है। 2 नंबर रहेगा, बहुत पावरफुल शॉट रहेगा, 120 मीटर तक रेंज है इसकी। 120 मीटर 120 मीटर तक। अच्छा अच्छा, और एक ये आएगा प्रिंस कंपनी का आएगा, गोल्डन फिनिशिंग रहेगी इसकी इस टाइम में, और ये लकड़े का बट रहेगा इसमें पूरा, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये 30 मीटर तक रहेंगे। ये सब लीगल है, लीगल चीज है, ऑल इंडिया टॉय में आता है एक तरह से। अच्छा, ये बच्चे भी इससे खेल सकते हैं, 8 साल का बच्चा हो 10 साल का हो, इससे बड़े भी यूज में ले सकते हैं, जैसे खेती बाड़ी है, बंदर भगाने के लिए है, शादी ब्याह में जैसा ओरिजिनल जैसा मजा होता है वैसा इसमें भी कर सकता हूँ, जैसे कि ओरिजिनली चला सकते, एक तरह से ये देसी कट्टे जैसा इसका लुक आता है पूरा। सिर्फ ये साउंड करने के लिए है, सिर्फ साउंड करने के लिए, नॉर्मली निशाना सीखने के लिए है चीजों पे लाइट। बड़ी में बताइए, बड़ी में जैसे पहले स्टार्टिंग वाली बता रहे हम, ये 3000 की पड़ेगी। अच्छा, सिस्को की आएगी, 50 मॉडल नंबर है इसका, ये खाली में इतना साउंड रहेगा। ये 80 मीटर तक करता है नॉर्मली रेंज में, पिस्टल जितना ही करता है, ज्यादा इसमें प्रेशर नहीं है। अब ये ब्रांडिंग जो है हमारे पहले टाइम से चली आ रही है, 80 साल से चली, हर पार्टिसन लोग है, जैसे ये ट्रिगर भी इसका आएगा पीतल का आएगा, वो इसमें जो भी ब्रांडिंग आएगी सब पीतल की आएगी, अंदर जो पार्टिसन रहेगा स्प्रिंग वगैरह पीतल की रहेगी नॉर्मली। जैसे मैं इसमें साउंड करके बता दूं आपको, इसको आगे लगा लेना और नॉर्मली इसको ठोकना है बस। ओरिजिनल जैसा मतलब फायर कर सकता है ये। वाओ, ये बनाते कहाँ पे? ये बनता तो वैसे बाहर से आता है, जैसे ये सिस्को की ब्रांडिंग है, पंजाब के पास पठानकोट है। अच्छा, वहां से बन के आता है मतलब। और ये दूसरे वाली, ये वाली ये बाहर से आती है, हर जगह की अलग अलग कंपनी रहती है। तो एक चीज मुझे समझ नहीं आई, ये सब माउंट आबू में बिकता है? माउंट आबू में मिलेगा, जैसे अंबाजी मिल जाएगा, दिल्ली मिल जाएगा, अंजार में भी मिल जाएगा, सबसे बड़ा लेने जाओगे मार्केट तो अंबाजी मिलेगा। अच्छा, अंबाजी में उसका पूरा मार्केट है। अच्छा, आबू में मान लोगे तो कम से कम इसकी 22 से 25 शॉप है। बिल्कुल है, बिल्कुल इस मार्केट में रहेगी, नक्की मार्केट में, फिर गुरु सिक्कर जाओगे वहाँ उस मार्केट में रहेगा पूरा इसका। तो कोई वजह इसकी यहाँ पे माउंट आबू ज्यादा बहुत है, इसमें टूरिस्ट नॉर्मल पूरे टूरिस्ट आता है, उस हिसाब से बिकता भी ज्यादा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, और बताइए। इसी में मैंने हायर रेंज में है ये सिस्को की, ये भी 50 मॉडल नंबर है, 130 मीटर तक करेगा, ये भी साउंड करेगा ना, साउंड करेगा, ये भी इंजर्ड कर सकता है, इंजर्ड कर सकता है ये भी। हाईएस्ट बताते हैं, जीडी की आएगी,
ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी में रहेगी। ये आपको पड़ेगा मात्र खाली 7,500 रुपए का पीस पड़ेगा, 200 मीटर तक इसकी रेंज रहेगी। इसका लॉक भी देखने जाओगे, इसका लॉक भी अलग आता है, इसमें दोनों में नॉर्मल लॉक रहता है, इसमें छल्ला टाइप लॉक रहेगा। इसका ये देखो खाली सा हो गया इतना। बहुत ही अच्छा प्रेशर रहेगा इस चीज का। दूसरी में जाते हैं, सफारी का आएगा 3 मिनट मॉडल। इसमें जैसे आपको निशाने के लिए चाहिए तो 3 पॉइंट मिलते हैं, 1, 2, 3। ये नॉर्मल बारीक निशाने के लिए रहता है, जैसे बारीक कुछ भी लेना है आपको तो बारीक निशाने के लिए रहेगा ये। इसको आप अप डाउन कर सकते हो पूरा, और नॉर्मली जैसे बड़ा निशाना लेना है तो ये 2 पॉइंट मिलते हैं आपको यहीं से। इसका रहेगा 150 फीट तक। अच्छा, रेंज इसका पूरी पीतल में आएगी, सॉरी स्टील में आएगी पूरी। ये 150 मॉडल नंबर रहेगा। अच्छा, इससे नॉर्मल नीचे रेंज वाला है ये। ये करेगा 90 मीटर तक। अच्छा अच्छा, सफारी की यहाँ ब्रांडिंग रहेगी पूरी, और 150 मॉडल नंबर इसका रहेगा इसका। इसमें भी 3 आपको एम मिल जाते हैं, 1, 2, 3। ये पूरी मेटल में आएगी, वो स्टेज में आएगी पूरी। ये सफारी का लोगो मिल जाते हैं। ये आपको पड़ेगा 4,500 की गन पड़ेगी। उसमें कूरियर कुछ भी ऑनलाइन मंगा सकते हो, तो कूरियर चार्ज उसमें अलग रहेगा, ये खाली गन का प्राइस देखते हैं। इसमें 50 छड़े इंक्लूड मिलेंगे, एक साउंड वाला पैकेट साथ में मिलेगा इसमें, और जैसे कूरियर चार्ज आपको उसका अलग चार्ज रहेगा। और इसमें तो ये भी है सफारी का 95 मॉडल नंबर है, इसमें एक ग्रिप मिल जाती है, इधर से ही ग्रिप अच्छी बन जाएगी इसमें। पहली बार जब भी लोडेड रहे आपको उसका ट्रिगर नहीं दबाना है। स्प्रिंग का एक लॉक रहता है, वो लॉक टूटने का ज्यादा रहता है, लॉक टूट गया तो फिर रिपेयरिंग नहीं होती है। ये लोडेड रहे जब आपको ट्रिगर नहीं दबाना, और ज्यादातर खाली में नहीं चलानी है। खाली में इसका प्रेशर खराब कम होता जाएगा, स्प्रिंग घिसती जाती है इसकी पूरी लाइफ टाइम, जैसे 5 साल 10 साल 15 साल ऐसे चली जाती है। फिर ये जीआई का आएगा, ये भी 300 मॉडल रहेगा। इसमें इस टाइम में ये ग्रिप दी है नीचे की तरफ, ये पूरी है। ये 110 मीटर तक रेंज है इसकी, 110 मीटर तक 300 मॉडल है, जीआई का मॉडल है ये। इसमें बहुत मॉडल मिल जाएंगे आपको, 35 मॉडल मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा, 65 मिल जाएगा, 95 मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा, मॉडल के ऊपर है पूरा। और जैसे आप इस मॉडल बढ़ते जाएंगे वैसे प्राइस भी बढ़ेगी, वैसे रेंज भी बढ़ेगी इसकी।
में ये सिस्को का एक और मॉडल है, ये फाइबर बट रहेगा इसका पूरा फाइबर में, ये लकड़े में बट है, इससे इसकी डबल रेंज रहेगी। ये रेंज है इसकी 60 मीटर तक इसकी रेंज रहेगी, पूरा फाइबर बट रहेगा। एक और बता दीजिए, एक बार फिर ये सिस्को देख लीजिए आप, ये शॉर्ट मल्टर रहेगा राइफल का, जैसे इस टाइम ये किसी को भी बच्चे को दो यूजेबल में है, बच्चा निशाना सीख सकता है इससे, छोटा आएगा, नॉर्मली रेंज रहेगी इसकी 20 मीटर तक ये करता है। इसमें साउंड भी अच्छा होगा। ये कितने की? ये पड़ेगी आपको 2500 रुपए की मात्र। इसमें भी साउंड छर्रा इंक्लूड रहेगा। बहुत पावरफुल साउंड रहेगा। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक मॉडल ये भी आता है, ये थोड़ा हायर है, इसका बड़ा मॉडल है, ये 2600 की रेंज में पड़ता है ये वाला, इसका भी अच्छा प्रेशर रहेगा। ब्रांडिंग है ये 25 नंबर मॉडल है, ये सिस्को का, इसी का मॉडल है बड़ी राइफल का। दूसरी तरफ ये जीआई का, मैंने आपको जीआई का बताया था, 60 नंबर मॉडल है, दो नाली का लुक मिल जाएगा इसमें, ये शॉर्ट गन रहेगी पूरी, इसकी 80 मीटर तक रेंज रहेगी, इसमें भी ग्रिप मिल जाती है आपको। तो इनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है? लाइसेंस की जरूरत नहीं, ऑल इंडिया कहीं भी लेके जाओ, उसको बाहर नहीं लेके जा सकते इंडिया से बाहर। अच्छा, इंडिया में लीगल है? लीगल, इंडिया में लीगल, आप कहीं भी लेके जा सकते हो उसको। और जैसे इसमें फ्लाइट में अलाउड नहीं करता ये चीज, फ्लाइट में बिल्कुल ही नहीं करा, ट्रेन वगैरह में आप इसको लेके जा सकते हो, ऑनलाइन जैसे हम करते हैं ऑनलाइन डिलीवरी कूरियर चार्ज से, उसमें कर सकते हो। अच्छा, तो टॉय के रूप में? आप टॉय के रूप में ही है, जैसे खेती बाड़ी लोगों के खेती बाड़ी होती है, 100 बीघा जमीन होती है, उसके हिसाब से है, खेती बाड़ी में काम आती है, शादी ब्याह में जैसे किसी की शादी होती है उसमें फायर करने में यूजेबल भी आती है, साउंड वगैरह ओरिजिनल जैसा साउंड करता है ये। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सोहन सिंह है। और आपकी शॉप का? शॉप का नाम ध्रुव एयरगन शॉप है, 14 नंबर शॉप है, माउंट आबू में है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू भैया, वेलकम भैया।